हमारे जो अगले कवि हैं ये इस मंच पर हिंदी के नुमाइंदगी हैं, निखिल। निखिल के बारे में मैं आपको बताता हूं कि निखिल को आप जब सुनेंगे तो इनमें आपको रामधारी सिंह दिनकर का भी अक्स दिखेगा, आपको मैथिली शरण गुप्त भी याद आएंगे और जयशंकर प्रसाद भी रह रहकर आपके मनस मानस पटल पर उभर कर आएंगे। इसकी एक एक कविता एक महाकाव्य का सर्ग होने योग्य है। मैं माहौल बनाता हूँ, थोड़ा श्रृंगार से हटते हैं और ओज के प्रति। पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन की एक कविता है विप्लव गायन, उसकी चार पंक्तियां मैं पढ़ता हूं और उसके बाद आपके ऊपर है कि आप निखिल को कैसे सुनते हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर इधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए, त्राही त्राही स्वर नभ में छाए, बरसे आग जलत जल जाए, भस्म सात भूधर हो जाए, नभ का वक्ष स्थल फूट जाए, तारे टूक टूक हो जाएं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। आ जाओ। मेरी कविता एक महान राजनीतिज्ञ के बारे में है जो त्रेता युग में सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाता था, रावण। तो मैं इसकी कुछ भूमिका देना चाहूंगा। जब त्रेता युग में श्री राम ने रावण का वध कर दिया और रावण मरण शैया पे सरसैया पे लेटा हुआ था, तो लक्ष्मण से कहते हैं, जाओ लक्ष्मण, अभी त्रेता युग का पूरे युग का सबसे बड़ा पंडित बैठा हुआ है, जाओ उसके पास तुम शिक्षा कुछ ले लो। तो यहाँ पे लक्ष्मण जाते हैं उनके पास, पर पहली बार जब जाते हैं तो रावण उनको कुछ बताते नहीं हैं, वो सर अपना फेर लेते हैं। तो लक्ष्मण लौट के आ जाते हैं, पर राम के समझाने पर फिर जाते हैं, और इस बार जब जाते हैं तो रावण उन्हें बताते हैं तीन ज्ञान की बातें। तो मेरी कविता पूरी आधारित है इन्हीं तीन ज्ञान की बातों पे। तो मेरी कविता का शीर्षक है नीति कुंड। देखिए, अच्छाई बुराई सब में होती है, मुझ में कुछ बुराइयां हैं, आप में भी कुछ ऐब होंगी, पर हमें हंस बनना है। हंस एक ऐसा पक्षी है जो आप अगर उसको दूध और पानी मिला कर देंगे तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो हम लोग को ये निर्णय हम लोग को लेना है कि हम लोग क्या ग्रहण कर रहे हैं। तो मेरी कविता प्रारंभ होती है, तालियों के साथ मुझे सूचित करिए, धन्यवाद। इतिहासी पृष्ठों पर रेखांकित कितने ज्ञान कुसुम, दैविक दल या दानव दल दोनों में छिपे हुए हैं गुण। त्रेता युग का अक्षम्य दोष लंका नरेश का भाग्य बना, ब्रह्म तेज राक्षसी वंश स्वर्ण महल साम्राज्य गया, धारण ललाट पर ज्ञान पुंज कृष्ण जटाएं खुली हुई, नैनों में भरी हुई पानी धरती शोणित से धुली हुई, अमृतत्व भेदती बाणों से बिंधे हुए लंकेश गिरे, जपती जिह्वा बस राम नाम शिथिल वज्रांग शरीर लिए, सत्य वचन सत्य वचन सत्य वचन यह है कि मरण जब भी समीप विहरता है, सत्य वचन यह है कि मरण जब भी समीप विहरता है, सत्य वचन यह है कि मरण जब भी समीप विहरता है, भयभीत प्राण नश्वर काया बस प्रभु नमन ही करता है। वाह। गिरे वृक्ष के टूटे पत्ते आप स्वयं मुड़ जाते हैं, गिरे वृक्ष के टूटे पत्ते आप स्वयं मुड़ जाते हैं, छूट रही हो प्राण अगर दो हाथ स्वयं जुड़ जाते। क्या बात। रावण का पूर्ण अहम टूटा, रावण का पूर्ण अहम टूटा, स्पर्श किया जब राम बाण, सारे उसके दुष्कर्म धुले, पाप दोष से मुक्त प्राण, जैसे नींबू की चंद बूंद रख देती घी और पानी छांट, जैसे मलिन वस्तु विकार को हर लेती है पावन आग, जैसे सूरज की एक किरण पूरा अंधियार मिटा देती, वैसे प्रभु की बस एक नजर जीवन उद्धार करा दे। क्या बात। भगवान का दिया हुआ शरीर उनका ही दिया ये प्राण भी है, प्रभु हाथ से मरना भी अमृत समान वरदान ही है। रघुनाथ कहे अब खत्म युद्ध, ब्राह्मण रावण का वंदन हो, जाओ लक्ष्मण उनके चरणों में आशीष ग्रहण और नमन करो, चाहे उदंड अत्याचारी आतंकी छली और क्रूर रहा, चाहे उदंड अत्याचारी आतंकी छली और क्रूर रहा, पर पूरा जीवन ज्ञान अर्जन और शिव भक्ति में चूर। वाह। ज्ञानी
ज्ञानी वेद और नीति का, ज्ञानी वेद और नीति का निपुण हर एक कलाओं में, आधा ब्राह्मण का खून देह और दौड़ रही शिराओं में, विषडंक भी है, विषडंक भी है और नागमणि, देखिए विषडंक भी है और नागमणि एक नाग देह में दोनों भरा, विषडंक भी है और नागमणि एक नाग देह में दोनों भरा, अजब खेल है प्रकृति का, खुद अवगुण में गुण शब्द छिपा। क्या बात, विषडंक भी है और नागमणि एक नाग देह में दोनों भरा, अजब खेल है प्रकृति का, खुद अवगुण में गुण शब्द छिपा, रचा जाए कैसे शरीर, रचा जाए कैसे शरीर यह माया तो बस उन पर है, रचा जाए कैसे शरीर यह माया तो बस उन पर है, पर फूल चाहिए या कांटा यह निर्णय लेना तुम पर। वाह, बहुत अच्छे निकले। सूर्य लक्ष्मण से कहते हैं श्री राम, सूर्य चंद्र नवग्रह कुबेर, सूर्य चंद्र नवग्रह कुबेर संपूर्ण विवश सब कैद पड़े, कुशल नितिज्ञ और महातपस्वी पंडित ज्ञानी शिव भक्त बड़े, खुद महादेव जिसके वीणा पर थिरक थिरक नर्तन करते, भक्ति ऐसी जो भगवान पर अपना गर्दन अर्पण कर दे, जो सौ सौ दिन तक एक पांव पर आठों पहर प्रबुद्ध खड़े, इंद्रलोक अर्जित कर ली कर दे समाप्तरण क्षण भर में, चढ़ा दिया नरमुंड अगण्य पूरी की पूरी मौन धरा, परम तेज परमार्थ ज्ञान पूरे युग का पांडित्य भरा। सुनो लक्ष्मण, जो ज्येष्ठ उम्र में ज्ञान हो ज्यादा या ज्यादा हो बल बुद्धि, जो ज्येष्ठ उम्र में ज्ञान हो ज्यादा या ज्यादा हो बल बुद्धि, उसको गुरु बनाने में कल्याण ही है, निंदा कैसे। विवेक बिना वैभव कहाँ, विवेक बिना वैभव कहाँ, जैसे ईंधन बिन आग नहीं, विवेक बिना वैभव कहाँ, जैसे ईंधन बिन आग नहीं, सूरज समान जलना होगा बिना जले सौभाग्य। क्या बात, लक्ष्मण रख करके धनुष बाण, लक्ष्मण रख करके धनुष बाण लंका नरेश की ओर बढ़े, पर कुछ ही क्षण में क्रोधित मन से लौट शिविर में आन खड़े, अरे बड़ा घमंडी कैसा पंडित, मत में चूर अहंकारी, मरण समीप पर अहम जरा भी कम होने का नाम नहीं, हो शांत शांत आर्य पुत्र, हो शांत शांत आर्य पुत्र, शिक्षा मिलती धीरज से ही, क्रोध शोभती नहीं तुम्हें, तुम शिष्य ही हो तुम गुरु नहीं। वाह, रहना बहुत अच्छे निकले, क्रोध शोभती नहीं तुम्हें, तुम शिष्य ही हो तुम गुरु नहीं, रहना समीप था पैरों के गर्दन समीप तुम खड़े हुए, रहना समीप था पैरों के गर्दन समीप तुम खड़े हुए, अरे जड़ पर जल देना होता फिर फल लगते हैं पेड़। वाह, क्या बात, जड़ पर जल देना होता फिर फल लगते हैं पेड़ों पे, जैसे बादल से नीचे पानी नीचे गिरते हैं झरनों से, स्थान शिष्य का बसता केवल केवल गुरु के चरणों में। फल गिरता नीचे डाली से संशय कैसा ना है अपवाद, फल गिरता नीचे डाली से संशय कैसा ना है अपवाद, दानी के हाथों के नीचे रखना पड़ता याचक को हाथ। शांत चित और नम्र भाव से फिर लक्ष्मण प्रस्थान किए, बैठे रावण के चरणों में झुककर उन्हें प्रणाम किए, धन्य रहो हे वत्स लखन देखो विडंबना कैसी है, कल जो बैरी अब शिष्य गुरु दो शत्रु बने ही तैशी हैं। बहुत ही, किस मुख से ज्ञान की बात करूं, किस मुख से ज्ञान की बात करूं, मैं महामूर्ख अज्ञानी बड़ा, तत्पर पूरा जग जिसके दर्शन को उस भगवान से ही लड़ बैठा, लो नीति वेद के चंद छंद देता हूं ज्ञान कमंडल से, धारण कर लोगे जीवन में फिर विजयी बनोगे हर रण में। यहां से ज्ञान बताना चालू करते हैं, व्यर्थ ही है शुभ कार्य टालना, व्यर्थ ही है शुभ कार्य टालना पूर्ण करो उसको पहले, व्यर्थ ही है शुभ कार्य टालना पूर्ण करो उसको पहले, ज्ञात किसे कब कौन विघ्न बढ़ते कदमों की बेड़ी बने। वाह, खारे समुद्र के पानी को थी मीठा करने की चाह मुझे, निर्माण करूं सीढ़ी धरती से स्वर्ग लोक तक राह बने, कल कर लूंगा पूर्ण कार्य, अरे अरे कल कर लूंगा पूर्ण कार्य मैं बलि बड़ा है किसका डर, कल कर लूंगा पूर्ण कार्य मैं बलि बड़ा है किसका डर, सब चाह अधूरी कर्म अधूरा आज पड़ा सरसैया पर। बहुत खूब, बहुत खूब,
सुनो लक्ष्मण, आलस्य त्याग उद्यम से ही होता जग में यश प्राप्त जय, समय टालना खुद को ठगना दोनों बात बराबर है। जैसे पानी का शून्य मूल्य है, जैसे पानी का शून्य मूल्य है फूलों के जल जाने पर, जैसे व्यर्थ है कृषि बीज ऋतु मौसम के जाने पर, रखे रखे फल सड़ जाता, रखे रखे फल सड़ जाता, लगता लोहे पर जंग दोष, पछतावा बचता केवल गई चूक समय फिर खुली होश। वाह। जाकर शैलों के खंडर में, जाकर शैलों के खंडर में तप यज्ञ तपस्या निमित करा, प्रकट हुए खुद ब्रह्मदेव, तब यज्ञ सफल तप पूर्ण हुआ, घोर साधना देख प्रभु प्रसन्न हुए तो मांगो वर। यहाँ पे वो दूसरी गलती करता है, घोर साधना देख प्रभु प्रसन्न हुए तुम मांगो वर, कर दो अजय तन सबसे श्रेष्ठ, छोड़ रीच मानव बंदर। मानव बंदर तो अधम जीव, मानव बंदर तो अधम जीव, छोटे प्राणी सब छोटे दल, पर हरि अवतरित राम रूप, मानव हाथों हुई वध सफल। छोटे विघ्नों को कम मत समझो लक्ष्मण, सुनो, छोटे विघ्नों को कम मत समझो, किसे पता है कितना बल, छोटे बर्फीले ओलों से चौपट हो जाती पूर्ण फसल। वाह। हो निम्न रोग पत्तों में फिर भी वृक्ष स्वयं मंजर झड़ दे, हो निम्न रोग पत्तों में फिर भी वृक्ष स्वयं मंजर झड़ दे, यदा कदा छोटी चिंगारी आग लगा दे जंगल में। बहुत खूब। गूढ़ ज्ञान है नीति का, तुम भेद कभी मत प्रकट करो, माली रथी सेवक और रसोइया, माली रथी सेवक और रसोइया, इनसे मत मत भेद रखो। गुप्त राज का ज्ञान इन्हें है कहां भेद और धन वैभव, गुप्त राज का ज्ञान इन्हें है कहां भेद और धन वैभव, चारों पास हमेशा रहते आसानी से हानि संभव। बहुत खूब। विकार एक ही काफी है, विकार एक ही काफी है, यह अब जाकर आभास हुआ, नाभि में मेरे अमृत है, बस एक भेद से नाश हुआ। वाह। खड़ा करो जो रेत महल, खड़ा करो जो रेत महल, बस एक भेद में ढह जाता, खड़ा करो जो रेत महल, बस एक भेद में ढह जाता, भरी घड़ा का पूरा पानी एक छेद से बह जाता। वाह, क्या बात है यार। चलो आई अंतिम बेला, लक्ष्मण के सिर पर हाथ धरा, राम नाम मुख से जप कर धरती का महान यज्ञ उठा। वाह वाह वाह, धन्यवाद।